हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और राइट नाउ उनके लाइफ में क्या कुछ हो रहे हैं और इमीडिएटली क्या चेंजेस आ सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी जिस भी दिन आपके सामने आ रहे हैं, जिन भी पर्सन को सोच के आप रीडिंग को देखेंगे उसकी एनर्जी पिक होगा। ये मेरा पर्सनल रीडिंग के नंबर है, तो जिनकी भी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, आप अटके हुए हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है और लगातार आप बुरे फेस से गुजर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, इसी नंबर पे ओनली व्हाट्सएप मैसेज करें। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, तो आपको पेमेंट करके बुक करना होगा। तो अदर किसी भी जगह पे कॉल टेक्स्ट मैसेज ना करें, ओनली ऑन ओनली व्हाट्सएप पे ही आप मैसेज करें। और नंबर को आप स्क्रीनशॉट देके रख सकते हैं, ताकि ज़रूरत पे आपको ढूंढना ना पड़े और आप नंबर को सेव करके रख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आज के दिन में क्या कुछ हो रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पर्सन। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रहा है, जिस भी पर्सन को सोच के देखेंगे, जो भी पर्सन आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगा, जिनको भी आप प्यार कर रहे हैं, उसकी एनर्जी पिक होगा। और ये लव रीडिंग है, तो लव्ड वन के बारे में सोच के ही आप देखा कीजिए। तो सेंसर कार्ड करें मेरे व्यूअर्स के, लव्ड वन की करंट सिचुएशन कैसा चल रहा है, करंटली क्या हो रहा है मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन के लाइफ में। प्लीज सेंसर गाइड करें, प्लीज सेंसर गाइड मी मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन के लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन के लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। Give me card center. Current situation क्या है, पेशेंट को गाइड करें। स्टक है, आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। करंट सिचुएशन टावर, किंग ऑफ सोर्स, इंतजार, सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, सो यहाँ पर साइन निकल कर आए हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, तो ये सारे साइन आए हैं। ओके, अभी ठीक से दिख रहा है आपको, तो और एक ट्रिक से देखते हैं कि आपके बारे में क्या फीलिंग्स रख रहे हैं करंटली, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेके करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की करंट फीलिंग्स। फिर से देखते हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की। डिवाइन फेमिनिन आया था, अभी डिवाइन मस्कुलाइन है यहाँ पर। मुझे दिखाई दे रहे, या तो आपके लाइफ में दो चॉइस है या फिर आपके पर्सन के लाइफ में दो चॉइस है। 28 एज ग्रुप के आसपास हो सकता है आपका या फिर आपके पर्सन की एज, ठीक है। ओके, नंबर मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको। नंबर यहाँ पर है 20 20, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, फेब्रुअरी मंथ हो सकते हैं, इम्पोर्टेंट आपके लिए।
40 एज ग्रुप के कोई हो सकते हैं, 39 एज ग्रुप के हो सकते हैं, 38 एज ग्रुप के हो सकते हैं। नंबर 5 यानी मे मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, नंबर 8 यानी अगस्त मंथ इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 12 यानी दिसंबर मंथ इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अक्टूबर मंथ इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। और ओके, कुछ सिचुएशन यहाँ पर एंड होने वाले आपके पर्सन की लाइफ में, ऐसा मुझे पिक हो रहा है एनर्जी। सो आपके पर्सन की करंट सिचुएशन की अगर बात किया जाए कि उनके लाइफ में करंटली हो क्या रहा है, तो आपके पर्सन किसी सिचुएशन में बुरी तरीके से अटके हुए हैं, जिसकी वजह से वो आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं या फिर आ भी रहे हैं, तो उनका मूवमेंट बहुत ही स्लो है। ठीक है, मतलब जल्दी से जल्दी वो आपको कमिट नहीं कर पा रहे हैं, शादी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका कोई ना कोई मजबूरी है। लेकिन जहाँ पर भी वो है, हैप्पी नहीं है। यहाँ पर टावर का कार्ड है, जिसकी वजह से आपके पर्सन की दिमाग है खराब। ठीक है, यानी रूट कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि लगातार वो जो है अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स को फेस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये एनर्जी है। तो पहले हम उनकी कारण सिचुएशन को क्लैरिफाई कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे आपके लिए फीलिंग्स, जिस वजह से यहाँ पर आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं सही टाइम का, कि वो कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसा अटक चुके हैं। सो अब हम देखेंगे कि टावर कहाँ पे आए हैं, टावर का कार्ड क्यों आए हैं, कहाँ पे आए हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लाइफ में टावर कार्ड क्यों आए हैं, फाइनेंस में या फिर जहाँ पर भी वो बैलेंस बना के चल रहे थे वहाँ पर, स्पेशली फाइनेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, फाइनेंस के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं, इमोशनली उनको टिगर मिल रहा है, उनकी इमोशन के ऊपर बार किया जा रहा है। किंग ऑफ सोर्स एनर्जी क्यों आए हैं, किंग ऑफ सोर्स को किंग ऑफ वैम्स ने क्लैरिफाई किया है। तो कुछ लोग के लाइफ में दो चॉइस है, या तो आपके लाइफ में या तो आपके पर्सन के लाइफ में, तो उस दो चॉइस में से किसी एक को चूज करने वाले हैं, किसी एक के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इसीलिए फुल कार्ड आया है यहाँ पर, राइट। और आपके पर्सन ये चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो, और जिसको वो प्यार करते हैं उसके साथ ही न्यू बिगिनिंग हो, और जो चीज़ वो चाह रहे हैं उसकी फेवर में हो, और नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन की स्लीपलेस नाइट है। ठीक है, डिप्रेशन है, एनजाइटी है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जहाँ पर भी है, या फिर लव लाइफ में भी कई बार आपके साथ लड़ाई झगड़े हो जा रहे हैं अगर आप लिस्ट कॉन्टैक्ट में हैं तो। एट ऑफ सोर्स क्यों आया है यहाँ पर, फैमिली में अटके हुए हैं आपके पर्सन, अपसेट है, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, हार्ट ब्रोकन है बहुत ज़्यादा, अगर पास में उन्होंने फैमिली की वजह से आपको छोड़ा है, पैसों की वजह से आपको छोड़ा है, रेपुटेशन की वजह से आपको छोड़ा है, तो फिलहाल हार्ट ब्रोकन है आपके पर्सन। थ्री ऑफ वैम्स की एनर्जी क्यों आए हैं, थ्री ऑफ वैम्स इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, डेथ कार्ड। तो जो लोग भी ब्रेकअप सिचुएशन या फिर नो कांटेक्ट में हैं, वो इंतज़ार ख़त्म होगा। एम्प्रेस की एनर्जी, जो भी थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होने वाले, जो भी अदर चॉइसेस था यहाँ पर डिवाइन की इंटरवेंशन हो रहा है, जजमेंट का कार्ड है। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा और आपके पर्सन भी इस रिश्ते में काम कर रहे हैं। कैसे एंड होगा, प्रोसेस क्या रहेगा, डेथ कार्ड के साथ एम्प्रेस क्यों आए हैं एंजल, कैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होगा, थोड़ा क्लैरिटी मुझे दीजिए। विश फुलफिलमेंट आपका होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड ऑलरेडी आए हुए है, फिर विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। सो देखिए, अगर फैमिली थर्ड पार्टी है, उनकी मम्मी थर्ड पार्टी है, अगर कोई लव्ड वन है ऑलरेडी, अगर मैरिड है तो भी यहाँ पर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर आ रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से वो एनर्जी एंड होगा ही होगा। ठीक है, और काफ़ी टाइम से एनर्जी मुझे रिसीव हो रहे हैं, मेरी रीडिंग में तो आ रही है लगातार, और मैंने बोला भी है आपको कि 5 मई के बाद जो है चेंजेस आपको दिखाई देंगे अपनी लाइफ में। बात करें आपके लिए क्या फीलिंग्स है, तो यहाँ से भी आ चुके हैं किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, इमोशनल बहुत ज़्यादा है, लविंग केयरिंग एनर्जी में है, साथ ही साथ लॉयल एनर्जी में भी है। एट ऑफ वैंस की एनर्जी है, बहुत जल्दी वो आपको रीच आउट करने वाले, कॉल मैसेज टेक्स उनका आ सकता है, और रैपिड चेंजेस आपको दिखाई देंगे आपकी रिलेशनशिप में। अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं करियर में, अगर करियर में प्रॉब्लम है तो अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाई देगी इस टाइम पे, आपके लाइफ में भी आ सकते हैं, आपके पर्सन की लाइफ में भी आ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर
ट्रैवलिंग की एनर्जी स्ट्रांग है, आपके पर्सन बिजनेस ट्रैवल पे जा सकते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इस टाइप की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और करियर से रिलेटेड भी यहाँ पर कम्युनिकेशन या फिर क्लैरिटी आते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। सो अगर आप काफ़ी टाइम से करियर को लेकर परेशान थे या फिर ब्रेकअप सिचुएशन को लेकर परेशान थे, तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी भी मिलेगा। स्पेशली जो भी डोमिनेटिंग एनर्जी था उनके बारे में कोई ना कोई सच्चाई आपके पर्सन आपको बता सकते हैं आने वाले टाइम में, राइट। सो चलिए अगर बात करें फीलिंग्स की कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो आपके पर्सन अगर आपके साथ सेपरेशन में है, ब्रेकअप सिचुएशन है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर आपके पर्सन मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको। कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं? आपके पर्सन दिखा रहे हैं कि वो खुश है अपने लाइफ में, उनका टू फेस है, ठीक है। तो एक तरफ सन की एनर्जी, एक तरफ मून की एनर्जी है। सन की एनर्जी क्या दिखाते हैं? हैप्पीनेस को दिखाते हैं, सच्चाई को दिखाते हैं, उजाला को दिखाते हैं, क्लैरिटी को दिखाते हैं, लाइट को दिखाते हैं। तो लाइट में आपको सबको साफ साफ दिखाई देगा। और मून क्या है? नाइट में आते हैं, रात में आते हैं। तो मून की लाइट में सारी चीज़ें उतना क्लियर नहीं दिखते जितना सन की लाइट में दिखते। तो ये जो दो फेस है, यहाँ पर एक तरफ सन है, दूसरी तरफ मून है। यानी आपके पर्सन की लाइफ में जो भी गलत चीज़ें चल रहा है, जहाँ पर भी वो स्टक है, अपसेट है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिन भी चीज़ को आपके पर्सन छुपा रहे थे, उनका ट्रू फेस आपके सामने वो रिवील करने वाले हैं। हालांकि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको, यानी दिखा नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं उनकी असलियत को, ठीक है। उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहे है उसको वो छुपा रहे हैं, इसीलिए टू फेस की जो है एनर्जी आए हैं। विद द गैम्बलिंग, यानी वो गेम कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको, दिखा नहीं रहे कि सच्चाई क्या है यहाँ पर। लेकिन हाँ, वो आपके लिए लॉयल ज़रूर है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, मिलने आना चाहते हैं। पार्क की एनर्जी है, सो पार्क में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, एक अपना एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्लोज आना चाहते हैं, डेट पे जाना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। साथ ही साथ इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ चाहते हैं, एक स्टेबल एंड ग्राउंडेड रिश्ता आपके पर्सन चाहते हैं। और इतना टाइम जो भी हार्डवर्क आपने किए हैं इस रिश्ते में, अभी जो है फसल काटने की बारी है, तो फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा और जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो काट ऑफ होगा यहाँ से, ठीक है। सो अभी जो है आपको फ्रूट दिखाई देंगे अपनी मेहनत का, जो अपनी करियर के लिए हो सकते हैं, लव लाइफ के लिए हो सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आया था दोनों मास्कुलाइन एनर्जी, जो कि दिखा रहे दो ऑप्शन को। तो या तो आपके पर्सन की लाइफ में दो ऑप्शन है, या तो आपके लाइफ में दो ऑप्शन है। तो अगर दो ऑप्शन है और जिनको आपके पर्सन चाहते नहीं है, तो उनकी सच्चाई उनके सामने आए हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनकी असली फेज आपके पर्सन के सामने आए हैं और वो चीज़ काटअप होगा। यानी कोई एक सिचुएशन आपके पर्सन की लाइफ से रिलीज होगा और आपके पर्सन आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ओके यस। इस रिश्ते को डीपली वो चाहते हैं, डीपली प्यार कर रहे हैं, प्यार की वाइब्रेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं आपके पर्सन आपके लिए, राइट। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन। लिसन जो आज करें नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स की तरफ, नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर क्या होने वाले हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा प्रेजेंट और गाइड करें। मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग रहेगा और फिजिकली बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आपके पर्सन। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ पर टावर आने वाले हैं। नंबर टू दो ऑप्शन को दिखा रहे हैं, नंबर थ्री थर्ड पार्टी को दिखा रहे हैं और यहाँ पर डिस्ट्रप्शन की एनर्जी, कोई ना कोई टावर मूवमेंट आएगा आपके पर्सन की लाइफ में, ओके। कैसा टावर मूवमेंट प्रेजेंट और गाइड करें, कैसा टावर मूवमेंट आने वाले हैं, ओके। देखिए लव लाइफ में अगर टावर मूवमेंट चल रहा था, यानी ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा था, तो यहाँ पर आपके पर्सन के विजन क्लियर होगा। 6-6 की एनर्जी है, बैलेंस आएगा, हारमोनी क्रिएट होगा, ठीक है। नंबर 6 शुक्राचार्य की एनर्जी है, नंबर है जो कि हारमोनी लाभ और आपकी प्लेजर को दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हैप्पीनेस को दिखा रहे हैं, कम्फर्ट जोन को दिखा रहे हैं। तो रियूनियन हारमोनी आपके रिश्ते में आ रहे हैं, साथ ही साथ आपके पर्सन की विजन जो है क्लियर हो रहा है। और यहाँ पर काफ़ी सारे चक्रा की एनर्जी है, तो
तो अगर आपके पर्सन की चक्रा ब्लॉक्ड है तो उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे लव लाइन में पॉजिटिव चेंजेस आते हुए नजर आ रहे हैं। सैक्रल चक्र की एनर्जी क्यों आए हैं यहाँ पर, क्या डिनोट करें, सारे ही चक्र की एनर्जी। तो इस टाइम पे हो सकता है कि आपके पर्सन की चक्र हील हो रहे हैं, स्पेशली जो लोग भी मेडिटेशन करते हैं, या फिर अगर चक्र ब्लॉकेज है तो यहाँ पर आपके पर्सन दिल की बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, कन्फ्यूज रहेंगे। ठीक है, सोलर प्लेक्सस चक्र क्यों आए हैं, रिश्ते के लिए अगर स्टैंड नहीं ले रहे थे तो यहाँ पर स्टैंड लेंगे। तो अगर आप जो है चक्रा मेडिटेशन करते हैं या फिर आपके पर्सन करते हैं या फिर किसी भी तरीके से मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर चक्रा हील हो रहे हैं, ठीक है, सो स्टैंड लेंगे आपके पर्सन इस रिश्ते में। अगर चक्रा ब्लॉकेज रहेगा तो यहाँ पर कंफ्यूज रहेंगे, जिनका भी चक्रा हील होगा यहाँ पर आपके पर्सन खुद की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, रियूनियन में आएंगे, यहाँ पर स्टैंड लेंगे। ठीक है, तो चक्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्या चक्रा हील हो रहे हैं एंजल प्लीज मुझे गाइड करें, क्या यहाँ पर चक्रा हील हो रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले इस रिश्ते में। जहाँ पर भी अटके हुए हैं उसके तरफ एक डिसीजन लेंगे, जैस्मिन का कार्ड, कोई ना कोई सच्चाई, या तो वो आपको बताएंगे उसकी सच्चाई जो भी हिडन था, या तो फिर उनको पता चलेगा थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई सच्चाई। ओके, और उसके बाद बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील करेंगे, कैसा ट्रूथ सामने आने वाले हैं, क्या ट्रूथ सामने आएगा प्लीज एंसर गाइड करें, कौन सी ट्रूथ सामने आने वाले हैं। पेशन एंड प्लानिंग, पेशेंस, तो यहाँ पर पेशेंस रखे हुए हैं आपके पर्सन। और देखिए थर्ड पार्टी के साथ टेम्पटेशन, ये कार्ड्स गिर गए थे नीचे इसलिए मैं एक एक करके उठा रही हूँ, टेम्पटेशन एंड फर्टिलिटी, तो एक सच्चाई सामने आने वाले है या तो फिर आ चुके हैं, लेकिन आपके पर्सन थोड़ा टाइम ले रहे हैं क्योंकि उनका हालत ऐसा है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए पेशेंसली प्लानिंग कर रहे हैं स्पेशली शादी को लेकर। ओके, हार्ट ब्रोकन क्यों है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन उनको विक्ट्री मिलेगा। नंबर सिक्स इंपॉर्टेंट है, फोर टाइम यहाँ पर सिक्स आ चुके हैं, ठीक है, सो आने वाले सिक्स डेज के अंदर या फिर सिक्स वीक के अंदर यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में चेंजेस आएंगे, लेकिन फिलहाल उनको टावर मोमेंट का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, और धीरे धीरे करके रिकवरी आने की चांसेस है। मिस बहुत ज़्यादा करेंगे आने वाले सिक्स डेज के अंदर, वो आपको बेहद मिस करने वाले हैं, और रीच आउट भी कर सकते हैं, कॉल मैसेजेस भी कर सकते हैं सिक्स डेज के अंदर, ठीक है। बाकी जो टावर मूवमेंट है, थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलीज है, इनको होने में थोड़ा टाइम लगेगा, सिक्स वीक भी लग सकता है। ओके, पेशेंस को गाइड करें, गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, जो भी चीज आप चाहते हो पार्टिकुलर एक चीज के ऊपर आप फोकस करो, हो सकता है कि आपका बहुत सारे एरिया ऑफ फील्ड में प्रॉब्लम है और बहुत सारे विशेस को आप चाहते हो कि आपका विशेस पूरा हो, तो कुछ लोगों का फाइनेंस भी प्रॉब्लम है, लव लाइफ में भी प्रॉब्लम है, हेल्थ का भी प्रॉब्लम है, फैमिली में भी प्रॉब्लम है, तो सारी चीज़ों को आप एक साथ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, तो एक एक चीज़ के ऊपर आप इंटेंशन सेट करो कि मुझे पहले ये चीज़ चाहिए, ठीक है, तो उस चीज़ के ऊपर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करो, यानी इमेजिन करो अपनी थर्ड आई में, ठीक है, यानी जहाँ पर आप इमेजिन कहाँ पर करते हैं लोग, दिमाग में करते हैं, ठीक है, सो वहाँ पर एक वीडियो की तरह आप एक पिक्चर को इमेजिन करें, ठीक है, आपके लाइफ में हो रहा है या फिर मिल चुके हैं। आई हैव मैनी ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ, अबंडेंस एंड पॉजिटिविटी आर कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग इन माई लाइफ, तो कुछ लोग के लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगे या फिर आ रहे हैं, अबंडेंस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस कंटिन्यूसली आ रहे हैं आपके लाइफ में, अगर नहीं आ रहे तो आप पॉजिटिव सोचो, ठीक है, सोचने के लिए बोला जा रहा है, इमेजिन करने के लिए बोला जा रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। आई एंजॉय राइटिंग इन माई ग्रैटिट्यूड जर्नल, आई हैव ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स स्टिल टू कम, तो एक डायरी और पेन रखो जहाँ पर आपको जो जो चीज़ें अपने लाइफ में मिल चुके हैं उसके लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करो, थैंक यू बोलो। अगर कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते तो भी आप लगातार उस डायरी में हर रोज लिख सकते हो, स्पेशली आप फाइव फाइव टाइम लिख सकते हो,
ठीक है, या तो फिर 555 टाइम आप लिख सकते हो, क्योंकि अभी 55 पोर्टल आ रहा है, तो नंबर 5 जो है चेंजेस को दिखा रहे हैं, तो आप 555 टाइम करके लिख सकते हो हर रोज़। आप 55 पोर्टल के दिन से स्टार्ट कर सकते हो, पूरा मई महीना आप कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करोगे, पहले 5 टाइम आपने लिख लिया, उसके बाद 5 टाइम आपने लिख लिया, उसके बाद 5 टाइम आपने लिख लिया। अगर पूरा 555 टाइम आप करोगे तो बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग है, इतना टाइम हमें रहता नहीं है। तो आप शॉर्टली 5 टाइम करके लिख सकते हो अपनी डायरी में। और आपको ग्रैटिट्यूड शो करके लिखना है, जो भी चीज़ आपके लाइफ में नहीं है, जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप लिखो कि आपको मिल चुका है, राइट। ऐसे करके आप डायरी और पेन में लिख सकते हो, और अभी तक जितने भी ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हुए हैं अपनी लाइफ में, उसको भी आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो यूनिवर्स को, गॉड को, कि थैंक यू कि मुझे ये सारे चीज़ सच में मिल चुके हैं। माई हार्ट इज़ ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग। तो अपनी हार्ट को ओपन रखो, हार्ट चक्र ओपनिंग की भी एनर्जी है, यहाँ पर हार्ट की एनर्जी आता है, यानी हार्ट चक्र की एनर्जी आता। सो दिल को खुला रखो ताकि आप दूसरों की ब्लेसिंग्स को ले सको और दूसरों को ब्लेसिंग्स दे सको, यानी ब्लेसिंग्स हो कुछ भी हो, आप दूसरों को दे भी रहे हो और ले भी रहे हो, ठीक है। बाकी कुछ लोग के लाइफ में बहुत ही जो है, आप लोग अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, ड्रीम में कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगा, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको गाइड करने वाले हैं, ठीक है। गोल्ड फिश की एनर्जी है, आप लकी फील करोगे, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, आपका फॉर्चून यानी आपका जो लक है आपके फेवर में काम करेगा। और अपनी बिजनेस में आपको कुछ क्रिएटिव करने की ज़रूरत है, अपनी स्किल को काम में लगाने की ज़रूरत है। स्पेशली कुछ लोग के इनकम में आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, कुछ मतलब पैसों में आपको बढ़ोतरी दिखाई देगा, अबंडेंस आपके लाइफ में आएंगे, और जो चीज़ करने में आपको हैप्पीनेस मिलते हैं, जो चीज़ करने में आपको खुशी मिलता है, वही चीज़ आप करें। अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आर कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग इन माई लाइफ, आई एम्ब्रेंस जॉय हारमोनी एंड इनर पीस ऑन ऑल लेवल्स। तो डेफिनेटली कुछ लोगों को फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई देंगे, ठीक है। और जैसे कि फास्ट में से जो है जुपिटर टॉरस राशि में आए हैं, तो जिसकी वजह से जुपिटर यानी देवगुरु बृहस्पति की जो ट्रांजिशन है, तो देवगुरु वैसे ही लाकी होते हैं सबके लिए। सो फाइनेंस का बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी या फिर रास्ता खुलने वाला है आप सबके लिए। सो यहाँ पर गोल्ड फिश की भी एनर्जी यही दिखा रही है कि आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाले, ठीक है, स्पेशली अबंडेंस और ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपका लक जो है आपके फेवर में काम करेगा। और हॉर्स की एनर्जी, जितना हो सके ग्रीन नेचर के आसपास रहिए, ग्रीन चीज़ों को एब्जॉर्ब करिए, जैसे कि वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खाओ आप, ठीक है, और ग्रीननेस के आसपास रहो, ताकि ये जो ग्रीन एनर्जी है आपकी नेगेटिविटी को आपसे खींच के ले ले और पॉजिटिव एनर्जी को आपको दे, ठीक है। सो ये है आपके लिए गाइडेंस एंड रीडिंग, होप आपको पसंद आया है, रेसोनेट किया है। सो फिलहाल टाटा, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।